तो हेलो दोस्तों, रेस्क्यू टीम में आपका स्वागत है। और हम यहाँ अपने बड़ी साइड के पास वाटर रखी है, पानी की टंकी है। तो यहाँ आए हम और सांप को रेस्क्यू करेंगे। यहाँ दिखा है कोई स्नेक जो भाई साहब ने फोन किया। कई नाम है भाई साहब? दिलीप सुतार। दिलीप जी सुतार ने कॉल किया और हम यहाँ आ गए और सांप देखा यहाँ, तो निकालेंगे अपन। यहाँ अठी देखियो। हाँ बिल्कुल, लंबे लकड़ी वगैरह लगाओ। पानी खूना में, पानी खूना में बताइयो। हाय हाय हाल ट्रैक्टर मंगाना था। ट्रैक्टर का गमला से बोलो सर, ले रहे हो तो दोस्तों हाँ निकल गया है। और ये गुरु जी है, इनके मकान है इनके सामने। बहुत ही यहाँ बच्चे बच्चे खेलते हैं। और तो दोस्तों रेस्क्यू टीम में यूट्यूब चैनल है अपना गणपत जनवा के नाम से। किसी को भी अगर सांप बाइट हो और कोई भी समस्या हो सांप के बारे में तो कॉल कर सकते हैं। ये इंडियन रेड स्नेक है, नॉन वेनमस है, बिल्कुल ही जहरीला नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन फिटनेस का टिक्का जरूर लगेगा ये। तो दोस्तों ये हम नहीं आते थे, इनको मारने का प्लान है था। प्लान तो नहीं है, लेकिन ये कह रहे दो तीन दिन से वितरण कर रहा, तो आज बोल गया और हम यहाँ इसको रेस्क्यू करें और उसको जंगल में सुरक्षित रेस्क्यू रिलीज करेंगे। ब्राह्मण सांप है ये अपने एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप। तो दोस्तों सामने काट लिया ये। तो दोस्तों सांप ने आज काट लिया, धमन सांप है, नॉन वेनमस है। दोस्तों काटता बहुत जोर से। अरे
घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सांप या नॉन वेनमस है, एक टिटनेस का टीका लगेगा सिर्फ, बाकी कुछ घबराने की बात नहीं। अगर अगर ऐसा ये सांप आपको बाइट कर ले तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप या बीपी शुगर ब्लड प्रेशर के कारण आदमी की मौत हो सकती है। तो दोस्तों बहुत ही खून निकल रहा है, ये एक थैली है कपड़ा, एक कपड़े थैली है कि ना जाओ ले आ, कपड़े थैली, कपड़े थैली, अरे ना काटी तो नहीं, तो नाली तो नहीं, दोस्तों बहुत ही खून निकल गया। एक हाबू ले आओ, डिटॉल, डिटॉल नहीं क्या मतलब, डिटॉल और साबुन ला जाओ। बड़े दी दो बड़े, आदमी को कंट्रोल में करने का वश दोस्तों, अपना भोजन खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये गणपत जी का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा और गणपत जी ने बड़े ही निडरता से इस सांप को अपने बिल के अंदर से निकाला था। ये सांप विगत 5 दिन से हमको परेशान कर रखा है इसने, हम भी इसको पकड़ करके छोड़ना चाह रहे थे पर डर लगने की वजह से हम इसके पास नहीं जा रहे थे और ये अंदर ही अंदर दीवारों के अंदर घुस रहा था। गणपत जी ने बड़ी बहादुरी से इसको बाहर निकाला और सांप ने गणपत जी के साथ बाइट भी की है और गणपत जी बता रहे कि ये दामन सांप है जिसका जहर नहीं चढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो देख के ऐसी गलती नहीं करें वरना हादसा हो जाएगा, क्योंकि सांप कभी भी काट सकता है। सामने काटा बहुत ही जोर से, सामने काट दिया बहुत ही जोर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। गणपति के नंबर बहुत निश्चित है यार, वरना यार तो काम नहीं करेगा।
नहीं नहीं ईश्वर ऐसा नहीं करता। ये क्या दामन साहब रेट में कि नॉन थर्मल बिना जहरीला इसे ही सब आपको कभी भी शक जानकारी हो तो संपर्क कर सकते हैं। और किसी को काटे अगर आपके परिवार वालों के साथ ऐसी घटना होती तो आप अच्छा तो उदय उदय पुणे पर करता अट्टे कहीं करे और फोन पर जब क्या कुंडली हटा जोई जो ठीक है ओके और मां साहब डिटोल है कि डिटोल हां डिटोल सब लाओ ना अरे घर में भी तो प्रॉब्लम है।